हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आप बच्चे हो? अरे हम लोग का तो हाल देख सकते हो, बहुत थक गए थे। इतना दबा के सोए, आँख वक्त खुल गई है। तो आज हम लोग बर्ड सेंचुरी देखने जाने वाले हैं। बर्ड सेंचुरी पहुंच चुके हैं और सुबह सुबह का टाइम है। ऐसा बोला सबने कि सुबह में देखने का मजा आएगा और शाम के 6 बजे ऐसा। तो हम लोगों ने इतनी ठंडी में सुबह सुबह उठा और आ गए हम लोग यहाँ पे। तो चलो दिखाते हैं आपको क्या देखने को मिलता है सुबह सुबह। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से देखने में काफी मजा आएगा। चलो देखते हैं ऊपर से कैसा नजारा लगता है। सुबह उठा देख रहे हो कैसे हालत है। भाग भाग के आए यहाँ पे वीडियो लेने के लिए। अभी हम लोग बर्ड सेंचुरी से निकल रहे हैं और देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े हैं, मछलियाँ खा रही है ये। तो ये हम लोग एक और चर्च के पास आए हैं जिसका नाम है पुदम चर्च। गाइस ये वीडियो बनाते हम लोग को मोर दिखा वहाँ पे, वो देखो आप मोर दो बैठे हैं वहाँ, दो नहीं 3 या 4 है वो। इसे बोलते हैं झांपा गेट, समझो कि ये दीव में एंटर करने का गेट है। जैसे कि हम गांव में या गांव बोलो या सिटी बोलो, ये गेट के अंदर पूरा दीव बसा है। ये आप देख सकते हो, और ये साइड में इधर पद्म भूषण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है दीव का। तो ये पद्म भूषण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दीव का है। हे गाइस, तो जैसे कि रात में हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे और वो देख सकते हो ब्रिज जिसमें रात को लाइट भी जल रही थी और सुबह का व्यू ऐसा कुछ ऐसा है। सुबह हम लोग गए बर्ड सेंचुरी घूम कर आए और फिर अभी सुबह नहाना नहीं हुआ था क्योंकि बहुत जल्दी जाना था। सुबह का व्यू अच्छा आता है वहाँ, इसलिए हम लोग फटाफट से गए और फिर ब्रेकफास्ट करके वापस होटल पे आए। अभी फिर फ्रेश होकर फिर वापस हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोग निकल गए हैं और चलते हैं फिर
इसे बोलते हैं झाम्पा फॉल। और यहाँ जो सीढ़ी आप देख रहे हो ना, ऐसे पानी आता है। अभी शायद बंद है ये। खेलने के लिए ऐसा देख सकते हो, ऐसा झूला वाला लगाया गया है। ऐसे बीच पे घूमने के लिए आए, थोड़ा ऐसा आराम करने के लिए पेड़ की छांव में। शाम के टाइम में भी बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे ऐसा। और गाइस बीच के पास ही ऐसा देखो एक गुफा जैसा बना है पत्थरों को काट के, पत्थरों के काट कर ऐसे गुफा जैसा बनाया गया है ये। अभी ऐसे चढ़ चढ़ के हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं कैसा व्यू आता है ऐसा। ये पानी की लहरें देख रहे हो कितनी तेज आ रही है। हे गाइस, तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और समंदर की लहरें बहुत तेज है और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, काफी मजा आ रहा है। इस जगह का नाम साउथ पोल पॉइंट है ऐसे ऊपर में, और जो गार्डन बना था। हम लोग हेरिटेज वॉकवे पे आए हैं, यहाँ वॉकवे ऐसे चल चल के ऊपर जाना है हम लोग को। और ये देख सकते हो इस पे जाना है ऐसे सीढ़ियों से। ऐसे सीढ़ियों से ऐसे ऊपर चढ़ के जाते वॉकवे की कुछ कहानी है ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये साउथ के साइड में, ये जमीन के साइड में पूरा दीवार बनाया गया है। हेरिटेज वॉकवे का कुछ ये कहानी है कि ये जो दीवार आप देख रहे हो ये इसलिए बनाया गया है जमीन के साइड की ताकि दुश्मन हमला ना कर सके। मतलब दिमाग देखो, जमीन के साइड में ऐसा दीवार बना दिया और समंदर के साइड में ऐसा फोर्ट बना दिया।
बनाया है देखो, दीवार कितना बड़ा, बहुत दिमाग लगाकर बनाया है कि ताकि दुश्मन बिल्कुल भी हमला ना कर सके। और इस पे ऐसे सीढ़ी बनाया हुआ है चलने का, देखो ऐसा पूरे ये दीवार पे हम लोग चल सकते हैं। ये देखो तो ज़मीन के साइड में ये बनाया है ज़मीन के ऊपर, और समंदर के साइड फोर्ट बनाया है। ये देखो ऐसा, मतलब इतनी दूर में ये दीवार बनाया है, पूरे ज़मीन के साइड में ऐसा पूरा ये दीवार बनाया है, बहुत ऊंची है ताकि दुश्मन तो भूल कर भी इस पर हमला ना कर सके। कुछ ऐसा है, देखो ये कितना नीचे है, ऐसा कुछ ऐसा है। और दीवार का भाई इसका मेंटेनेंस चालू रहता है, सोचो उस जमाने का ये दीवार है कितना मजबूत। ये गाइस ये देख सकते हो आप।